A very hearty good afternoon to our respected Neha ma'am, my classmates and my friends. Good afternoon. Today I'm Anshika Singh. Today I'm tell you explain the part of plants. So let's start. There are mainly two systems of plants: shoot system and root system. Outside part of plant is known as shoot system. Inside part of plant is known as root system. There are mainly two parts of plant: roots, tap roots, and fibrous roots. There are many one branches, and there are many roots. Many roots are in tap root is present outside of the soil. But the fibrous roots are present inside of soil and spread the plants and its supports. The root system is finished. Now we are talk about shoot system. So this is leaf. Leaf is also known as producer of plants, and stems give supports to our plants. The stems give supports to our plants and the branches. Branches and the flowers. Flower protect our fruit or food. And birds protect to our flowers. Continue. And this is a fruit. That's all for today. Thank you. Okay. जैसे कि देखा गाइज आप लोगों ने, ये क्लास सिक्स की स्टूडेंट बाटी जो नेम बेटा अंशिका सिंह ने कितने अच्छी तरीके से एकदम प्रॉपर वे में अपने प्लांट्स का जो भी पार्ट है, रूट सिस्टम एंड सोर्स सिस्टम को खुद से डायग्राम बना के बहुत ही अच्छे वे में इसने डिफाइन किया हुआ है। तो ये आरएलएस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का जो भी इनका स्किल है, कैसे ये डेवलपमेंट होता है, या इन बच्चों को कैसे भी एजुकेशनल सिस्टम्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चे इतने टैलेंटेड कैसे हैं, तो सब कुछ सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को हमेशा पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और ये सारे बच्चों ने कैसे क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो अपने टॉपिक को कैसे फुली प्रिपेयर करके कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो स्पेशली जैसे कि ये बच्चे हैं, सुहानी यादव नाम है, और क्या नाम बेटा आपका? अंशिका सिंह यादव। और बेटा आपका नाम क्या है? हनी पांडे। एंड यू? कशिश वर्मा। और एंड यू? नेहा सिंह। जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा कि ये स्टूडेंट्स कैसे अपने जो भी इनका चैप्टर्स है, हर एक सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर्स है, कैसे फुली प्रिपेयर किए हुए हैं अपने एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि अभी एक बच्चे ने डायग्राम के थ्रू कितने अच्छे तरीके से अपने रूट सिस्टम और सोर्स सिस्टम को डिफाइन किया। ओके, तो ऐसे ही आरएलएस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का हमेशा सपोर्ट करने के लिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का फिजिकल एजुकेशन सिस्टम या ऑफिशियल वर्क का सिस्टम क्या कैसे अपडेट होता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।